अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जितने मेरे भाई, जितने भी बहनों, जितने भी ट्रेडर आते हैं, सब खैर ऑफियस से होंगे। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस एक बात कह रहा था और वही हुआ मार्केट में, मैंने आप लोगों को वो चीज़ बताई थी जो किसी ने नहीं बताई। मैंने आप लोगों को यहाँ से गोल्ड बाय करवाया 1850 समथिंग से, और मैंने आपको बताया था गोल्ड एक नया हाई मारेगा। ये वाले हाई पे हो सकता है गोल्ड इस एरिया से सेल ना हो, गोल्ड एक नया हाई मारेगा, और एग्जैक्ट वही हुआ। टेलीग्राम वाले लोगों को भी मैंने अपना मैसेज सबको करके बता दिया था कि कोई भी टॉप से सेलिंग में ना बैठे, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बंदे सेफ एंड सिक्योर हैं। अभी की क्या सिचुएशन है मार्केट, ये क्यों गई है बाइंग में, 100 पिप में मार्केट, 3 मिनट में मार्केट ने 100 पिप का मूव क्यों दिया, इसका सिर्फ आपका भाई आपको बता रहा है, अभी तक किसी को नहीं पता। यूक्रेन और रशिया वाला जो मामला हीटअप हुआ हुआ था, सही है, मैं आपको न्यूज पढ़ के बताता हूं। यूक्रेन मिलिट्री रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस फायर्ड ऑन विलेज इन लुहांस्क रीजन, सही है, जिसकी वजह से ये मामला हीटअप हुआ, मार्केट ने एकदम से मूव दिया। अच्छा, अभी हो ये सकता है कि मामला मार्केट एक डिप दे, सही है, हमें बाइंग साइड ही देखना है, हमें डिप ही ढूंढना है मार्केट में, हमें बिल्कुल हाई से नहीं बैठना, और अभी मार्केट का ये हायर हाई है। कभी भी वॉर सिचुएशन होती है तो उस वॉर सिचुएशन में आपको बिल्कुल टॉप से नहीं बैठना होता, क्योंकि वॉर सिचुएशन जब तक हमें पता चलता तब तक वो वॉर सिचुएशन खत्म भी हो चुकी होती है, सही है। ऐसा नहीं होता कि अब अगर बहुत बुरा सिचुएशन आ जाएगी, वॉर बहुत लंबी चलनी है, तो एक अलग डिपेंड करती हैं चीज़ें, अगर वैसे तो उस पर फिर एक अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब हम आए थे, जैसे कि हमने टाइम फ्रेम खोला, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ। प्राइस यहां से 76 से प्राइस तकरीबन 140 पे प्राइस बाइंग में गई, उसके बाद प्राइस ने साइकोलॉजिकल एरिया पकड़ा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता आता हूँ, एक साइकोलॉजिकल एरिया होता है गोल्ड का हर 100 पिप बाद, साइकोलॉजिकल एरिया पकड़ा गोल्ड ने, वहां से गोल्ड सेल हुआ। कितना सेल हुआ वहां से गोल्ड? 90 पिप सेल हुआ। 140 पे बाई गया, 90 पे सेल हुआ, कोई 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम हार्डली 10 मिनट के अंदर गोल्ड ने हमें मूव दिया। अब जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ये मूव समझ जाते हैं और इस मूव से फायदा उठा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज अपने इस अकाउंट में नहीं, दूसरे अकाउंट में इससे मूव से फायदा उठाया है, क्योंकि मेरा एक हेजिंग ऑर्डर लगा हुआ था जो कि छोटे, उसमें मैंने हेजिंग करी हुई थी, और उसमें मैंने 82 का हेजिंग ऑर्डर लगाया था बाइंग का, और 90 पे जैसे आई थी वैसे मैंने 90 पे क्लोज करी वो ट्रेड। मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी वो ट्रेड, 90 पे मैंने क्लोज करी। 90 पे क्लोज करने के बाद जब मार्केट सेल में आई, सही है, तो 82 से अभी मैंने सिचुएशन देखी है, अभी मैं सिचुएशन इसको चेक कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मार्केट अब एक डिप देगी, लेकिन हम वो डिप को प्रॉपर अभी सेल नहीं लेंगे जब तक हमें कोई फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उस डिप पे हमें बाइंग करनी है, और वो डिप हमें बहुत अच्छी बाइंग देगी, और बाइंग हमें देगी 1915 तक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे बंदे हैं सब सेफ एंड सिक्योर हैं, किसी ने लॉस नहीं करा, किसी ने लॉस अगर करा है तो वो सारी चीजें समझाने के बाद भी अगर अपनी बेवकूफियों से करें तो अब क्या कह सकते हैं, सही है। बाकी सिचुएशन अभी थोड़ी क्रिटिकल है, मार्केट में एंटर हो तो छोटी लॉट से एंटर हो, सही है, ज़्यादा बड़ी लॉट से ओपन नहीं एंटर हो, ज़्यादा बड़ी लॉट से ओपन होंगे तो भी आपके लिए मसला है। और मार्केट का एक और सिनेरियो मैं आपको बताऊं, मार्केट अगर ये वॉर सिचुएशन बढ़ गई, अगर ये वॉर सिचुएशन थोड़ी इधर रुक गई तो मार्केट रेंज करेगी, फिर वॉलेटाइल होगी। किस एरिया में वॉलेटाइल होगी मार्केट 1890 से लेके प्राइस वॉलेटाइल होगी 1860 तक, अप डाउन प्राइस ऐसे मूवमेंट देगी। कोई कोई अब सोचेंगे अब सेल का ट्रेंड बना, अब बाय का ट्रेंड बना, और लोग बहुत फंसेंगे। ये मैं आज 17 तारीख को आपको बता देता हूं, ये भाई की पेशन गोई है आप लोगों के लिए, सब लोगों को प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि ऐसा मूव एक आएगा जिसमें सब लोग फंसेंगे
और वो वक्त होगा जिसमें बहुत से जो नए लोग होंगे जिनके ना पेशेंस नहीं होंगे, वो इस मार्केट से क्विट करेंगे। तो आप लोग पेशेंस रखें, स्मॉल लॉट से ट्रेड करें, टेंशन ना लें और रिलैक्स करें, चिल करें, सही है। बाकी सब अपना ख्याल रखें, किसी का कोई और सवाल हो तो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, आपका भाई हाजिर है आप लोग के हर सवाल का जवाब देने के लिए। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने जितने भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।